सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग फिर से खेलने जा रहे हैं वन ब्लॉक। तो आज के दिन हम लोग फाइट करने जा रहे हैं वन ब्लॉक में उस मॉब से जिसने हमें कल पीटा था, यानी कि बट हमने उसे मार दिया था अपनी उस पावरफुल बो की मदद से। मतलब वो पावरफुल नहीं थी, पावरफुल था उसका एरो। तो वही गार्डियन जिसका नाम मेरे ख्याल से एल्डर गार्डियन आता है, तो उसका स्पॉन एग भी है मेरे पास, मेरे को एक चेस्ट से मिला था। और अब फाइनली हमारा वाटर वाला अपग्रेड, वाटर का अपग्रेड हो गया, वाटर की जगह नदर वाला आ चुका है। तो हम अभी बेफालतू में नहीं खोदेंगे, माइन नहीं करेंगे कोई भी ब्लॉक बेफालतू में। क्या पता चला ब्लेज आ गया, ब्लेज ने अभी मेरे को हरा दिया। तो पिछली बार वो दो तीन बार आ चुका था वो वाला गार्डन, जैसे आप देख सकते हो नदरैक है यहाँ पे, नदरैक। तो ये हमारा डॉग, चलो इसे रहने दो, अभी हम इसे बाद में खाना खिलाएंगे। मैं जानता हूँ मैंने इसे बहुत टाइम से नहीं खिला रखा है खाना। तो अब हम फिर से उस गार्डियन से फाइट करने जा रहे हैं जिसका एक एग है हमारे पास, एल्डर गार्डियन। नॉर्मल गार्डियन से अलग होता है। तो फिर चलो हम उसके लिए एक जगह बनानी होगी, तो चलो मैं आप लोगों को जगह बनाने के बाद मिलता हूँ। तो गाइस जैसा कि आप देख ही सकते हो मैंने जगह बना दिया, ज़्यादा बड़ी तो नहीं बनाई है, मैं बस उसके लिए चीज़ ही बनानी है, स्विमिंग पूल टाइप का ही बनाना है। क्योंकि वो वाटर का, और हम उससे वाटर में ही लड़ेंगे, ज़मीन पे नहीं लड़ेंगे, हम उससे वाटर पे ही लड़ेंगे। तो मैं उसके लिए लाया हूँ अपने साथ 64 ये क्या कहते हैं उसे, ये क्या नाम है इसका, मैं नाम भूल गया, प्लैंक्स लाया हूँ 64 अपने साथ। तो चलो मैं इसे बना लेता हूँ, और ठंडा स्ट्रॉन्ग लग रहा है, तो मैं आप लोगों से सुबह मिलता हूँ। तो गाइस सुबह भी हो चुकी है और अब अपनी जगह बनाना शुरू कर देते हैं। तो उसके लिए थोड़ा बड़ी जगह बनाएंगे क्योंकि फाइट करनी है उससे, है तो वाटर का ही मॉब, इसलिए हम उससे पानी नहीं लड़ेंगे। तो जल्दी से जगह बना लेता हूँ, इतनी जगह काफ़ी है मेरे ख्याल से। चलो 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 चलो, लगाते 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 लगता लगता भाई, इतनी दूर की रेंज भी मैं कैसे करेगी। चलो 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 चलो, लगा दो लगा दो लगा दो लगा दो, आज हम उसे हरा कर रहेंगे। चलो 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 चलो, अरे भाई जगदा। तो यहाँ पे घोड़ा भी है और मेरे पास एक सैडल भी है, तो हम इस घोड़े को ट्रेन भी कर लेंगे। तो चलो जगह मैंने बना दी है, और यहाँ से उसकी सीढ़ियाँ बना देता हूँ। हाँ चलो ऊपर जाने की सीढ़ियाँ भी बन चुकी है, पहले वहाँ से टॉर्च हटा देता हूँ। मेरे को प्रिजमरीन्स तो बहुत सारे मिल रखे हैं यहाँ से। तो चलो 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 भाई ऊपर चल चल चल। तो चलो अब वहाँ से अनलिमिटेड वाटर सोर्स के पास में ही है, चलो इससे पानी भरो आओ और इसमें डालो। चलो 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 चलो, बस दिया, अब इसमें डालो। मैं दो सॉल्ट लेकर आया हूँ क्योंकि मेरे पहले वाले सॉल्ट की तो हेल्थ वैसे भी कम है, हो सकता है सल्डा करते करते टूट जाए मेरी सॉल्ट। चलो 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 चलो, लगाओ लगाओ लगाओ। चलो 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 चलो, मेरे ख्याल से जब वो आएगा तब वो वेदर भी गड़बड़ हो जाएगी, उसकी वजह से वेदर भी अलग हो जाएगा। ऊपर आयरन गोलम भी अटका पड़ा है। लगाओ 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 लगाओ। चलो 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 चलो, मेरे को दो बाल्टियाँ लानी चाहिए अपने साथ में, जिससे मैं जल्दी से कर लेता, बट मैं एक लेकर आया हूँ बस। अरे 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 लगता लगता, चलो लगा दी। अब मैं कर पूरी जगह पे पानी भर देता हूँ, मैं आपसे पूरी जगह पे पानी भरने के बाद मिलता हूँ। तो गाइस जैसे कि आप लोग देख ही सकते हो जगह पूरी तो पानी से भर चुकी है, बस मेरे को वाटर बकेट में पानी भर लेता हूँ, उसके बाद कहाँ आ जाएगा। मैं एरोज तो लेके ही नहीं आया हूँ भाई, क्योंकि मेरे ख्याल से शॉर्ट को उसमें मैं उसको शॉर्ट से नहीं मार पाऊँगी, क्योंकि पहले की तरह वो मेरे पे खींचने लगेगा और इफेक्ट दे देगा मेरे को, इसलिए मैं जल्दी से जाके एरोज ले आता हूँ। चलो चलो चलो, मैं वही हार्मिंग वाले एरोज लूँगा, यही है ना
आरो ऑफ फार्मिंग इंस्टेंट डैमेज 2 लगा हुआ है इन पे, तो मुझे कहेगा जल्दी चलो। अब ये नेदर वाला अपग्रेड हो चुका है तो इससे मेरे ख्याल से वो मिले विदर स्केल्टल भी आ सकता है, और विदर स्केल्टल आया तो उसका स्कल तो कलेक्ट करूँगा ही मैं विदर से फाइट करने के लिए, अच्छी सी जगह बना लेती जितने भी हैं, और उसके लिए लॉयल्टी 3 वाली एनचेंटमेंट लगेगी जो कि मेरे पास है, तो बट उसे मैं अपने ट्राइडेंट में लगा सकती हूँ क्या, तो उस पर चलो अब एल्डर गार्डियन को स्पॉन कर देता हूँ। चलो 3 2 1 अरे 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 भाई ये तो बहुत ही डरा इसको, बाप निकल भाई इतनी जल्दी मार दिया मैंने इसे, मैं ना गिर जाऊँ भाई, मुझे लगा भी नहीं था कि इतनी जल्दी मर जाएगी वो। हाँ बट उसका जो इफेक्ट होता है वही मेरे को पसंद नहीं है, इसी वजह से मैं उससे फाइट नहीं करना चाहता, वो ऐसा इफेक्ट दे देती है कि हम माइनिंग ही नहीं कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मैं उसे एक और बार हराऊँ, एक बार हरा के मन नहीं करा मेरा, तो मेरे को कमांड बॉक्स का यूज़ करके उसका एक ऐड मंगा लेता हूँ, @elder_guardian को अंडरस्कोर नहीं भाई किधर गया guardian, अच्छा अरे मैं एम लिख रहा हूँ, एन आएगा _spawn_egg, तो अब उसका स्पॉन एग मंगा रही है मैंने अपने पास, एक और बार मैं उससे लड़ाई करूँगा, इस बार सीधा बो से मार दूंगा, कुछ नहीं सुनूंगा मैं, आ गई ये ले, अरे भाई कितनी जल्दी मर गई, ये तो सीधा तो जा रही है मेरे पे से डायरेक्ट पानी में, फोन करो अच्छा मेरे ख्याल से बड़ी है उससे, एक और बार मंगाऊंगा मैं, अरे ना लिया आपने आंखों के सामने आके ऐसे नाच रहा जैसे वो पानी के बिना उछल रही थी वाली गार्डियन, ऐसे elder_guardian_spawn_egg, तो उसका स्पॉन एग फिर से मिल चुका मेरे को, अब उसे डायरेक्टली मार दूंगा मैं, ये देखो उसका दिया स्पॉन, ये ले ओ भाई तो वो एक ही बार में मर गई भाई, मैं तो प्रो बन चुका हूँ उसको मारने में, एक ही बार में मर जा रही है तो मुझसे, इसे मैं ऐसे ही बना दूंगा, ये जगह ऐसी रहेगी, अब क्या कर सकते हैं, 6 बच्चे हैं बस मेरे पास और अभी 2 मिनट और चलेगा, तो चलो मैं आपको ये खत्म होने के बाद मिलता हूँ। तो गाइस बहुत देर वेट करने के बाद भी नहीं गया, मैंने ज़्यादा देर वेट भी नहीं करी है, हाँ बस ख़त्म होने वाला है, बस कुछ सेकंड बाकी है लगभग 1 मिनट, तो मुझे आप लोगों को एक और चीज़ दिखानी है, ये देखो हमारे पास 24 डायमंड हो चुके हैं, तो इसके हम एक पिकेक्स बना सकते हैं और एक शॉल बना सकते हैं, शॉल का मैं करूँगा क्या, खास एमरल्ड की शॉल बन सकती है, या तो मैं शॉल बना सकता हूँ या तो पिकेक्स, अगर 4 1 और डायमंड मिल जाए तो मैं 100 पिकेक्स बना सकता हूँ। तो गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, बाकी तो काम अगली वीडियो में करेंगे, तब तक।